सुना है लोगों से, आंख भर के देखते सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते। कुछ लोगों का आपके काम में हिस्सा ऐसे होता है कि उसको आप हिस्सा या कंट्रीब्यूशन नहीं कह सकते, वो एक बरकत होती है, वो एक फैज़ होता है, वो आपकी खुशकिस्मती होती है। कमली के पूरे सफ़र में मेरी जो सबसे बड़ी खुशकिस्मती रही वो एक ऐसा साथ है, एक ऐसी तालीम है जो मुझे मिली कि फिल्म का म्यूज़िक और उसका एहतराम और उसको बनाने का जो पूरा प्रोसेस है वो क्या होता है, और उसका जिम्मेदार एक शख्स है, एक ऐसा जिन इंसान है जिनका नाम है ज़ुल्फ़िकार अली। थैंक यू। आपको पता है मैं अपनी पूरी ये जो ज़िंदगी के कॉन्शियस साल हैं उनमें से अगर कभी याद करूं कि कौन सी कोई ऐसी फिल्म है जिसका म्यूज़िक बहुत दिल में कहीं ऐसा बैठ गया है, वो चूड़ियाँ हैं। और मुझे नहीं याद कि कोई ऐसा इंसान मुझसे 20 साल छोटा भी, मुझसे 50 साल बड़ा भी, जिसने चूड़ियाँ के उन गानों को अपने दिल से महसूस ना किया। और मुझे पहले ये बताएं, ये सिलसिला शुरू कब हुआ, कब पहली दफ़ा मौसीकी तरतीब देने का ख्याल आया? शुक्रिया सलमा साहब, माशाल्लाह बहुत ज़हीन और बड़े प्यारे डायरेक्टर हैं, मैंने आपके साथ काम किया है। बाखुदा ये नहीं कि होते नहीं, एक बात होती है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, जी वाह वाह क्या बात है। नहीं आप ऐसे हैं नहीं, हम सुन लें स्क्रीन के आगे ना जाने हमें क्यों झूठ बोलना पड़ता है। हाँ, सही कह रहे, मगर बुरी बात है, ऑडियंस के सच बताओ यार, वो हमारे प्यारे प्यार करने वाले हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, उनको सच बताओ। ये मुनाफिका ना तबीयत के जी वाह जी वाह वाह ना, अच्छा है अच्छा है, बुरा भी है तो उसे इस अंदाज से कह दो कि वो बुरा ना महसूस करे। एक मुझे बताएं, आपके बनाए हुए गानों पे लोगों ने क्लेम किया कि ये तो फोक है, आंधियां नसीबा ना लै कड़ियां तेरे सिरे नू सजाया डाडा फुल कलियां, उधर से हम आते हैं तुम जा जावे जा छूटिया, उससे मतलब कौन सा ऐसा गाना मैं याद करूं जो सैयद नूर साहब की तो मतलब जिंदगी का जो एक बेहतरीन गोल्डन जो टाइम है उनकी फिल्मों का, चाहे मेहंदी वाले हाथ ले लें, चाहे मजाजन ले लें, चाहे आप चूड़ियां ले लें, ये मुझे सिर्फ बताइए आमद का तरीका सिलसिला है क्या, मतलब एक से एक बढ़ के एक गाना कैसे बनता है? सलमान जी तो मगर ये तो मैं नहीं कह सकता कि हमारे ऊपर कोई चीज हाजिर होती ना, ये तो आंखों के काम है, ये मौला का दखल होता है इसमें। सही, सही, मुझे बहस करने की आदत नहीं है, आप मुझे कह आपके साथ काम किया है, आप मुझे सोचने का मौका दें। बिल्कुल, एक ही धुन पहले ही बनाई वही ओके की है, ये तो नहीं किया आपके कि ये बनाओ ये जो लफ्ज़ होते हैं ना ये खुद बताते हैं कि मुझे कौन सा राग इस्तेमाल कर, ये आज तक किसी ने मौसीकार ने नहीं कहा, क्योंकि वो बड़े लोग थे, वो कहते थे इन लोगों को पता चल गया तो ये तो आम हो जाएगी बात, जो लफ्ज़ लिखे होते हैं ना ये तो मुर्दा होते हैं। अब लफ्जों के मैंने क्या है, अब वो राग कौन सा सोचना कि इस लफ्जों के साथ ये मैनेज करेगा, सही, सही, इन लफ्जों को जिंदा करेगा। सही, सही, सही। आपने बात की कि वो मैं चूड़ियों की बात की, बात यह है कि चूड़ियां फिल्म मेरी दूसरी फिल्म थी तकरीबन सैयद नूर साहब के साथ, पहली फिल्म थी सनम, सनम उसका बहुत अच्छा म्यूजिक था, बहुत अच्छा म्यूजिक था, चलो जैसे वो हुआ अच्छा हुआ बुरा हुआ मैं क्या कर सकता हूँ। चूड़ियाँ थी फिल्म, तो सैयद नूर साहब की पहली फिल्म थी चूड़ियाँ, डायरेक्टर वाइज उनको नहीं पता जो बना दिया है, पंजाबी फिल्म पहली, पहली पंजाबी फिल्म थी, उन्होंने जो बना दिया हाँ जी आपको पसंद है हाँ जी ठीक है रिकॉर्ड कर, फिर ऐसे मेहंदी वाले हाथ। लेकिन चूड़ियाँ में जितना है उड कोठे हो तो कावे लाइयां लाइयां, सर मैं मतलब आठ गाने थे एक से बढ़ के एक, मैं गाने की बात नहीं कर रहा,
आजकल तो एक गाना हिट हो जो कहते हैं यार बड़ा अच्छा म्यूजिक है, पूरे म्यूजिक की बात करें तो जो पूरे गाने हिट हो। हाँ जी वही तो। मैं आपको एक बात बताने डॉक्टर शर्मा जी, तो सही नूर साहब ने कहा ठीक हो जी ओके, ऐसे ही मेहंदी वाले हाथ जैसी फिल्म मेहंदी वाले हाथ ने सही नूर से मुझे जो पसंद है वो मेहंदी वाले बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत फिल्म। हाँ जी उसका म्यूजिक स्टूडियो से बहुत अच्छा है, दिल चरखा करे कुंकों को। अब ये देखिए दिल चरखा करे कुंकों उसकी आवाज ठीक है, सावली पूरी दी कदी तंदना तंदना तोड़ी तोड़ी तू 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 वाह। अब तू तू वो जो शायर ने थोड़ी लिख के दिया उसने कि सावली पूरी दी कदी तंदना तोड़ी तू, अब मैंने तू 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 किया कि तुम्बा जो था तू 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 राइट 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 राइट। अब ये देखिए कि मेरी पीढ़ी मेरी पीढ़ी मैं जाना या मेरा चरखा जाने, मेरी अपनी अपने आप से मुखातिब है कि मेरी पीढ़ी नु मैं जाना या मेरा चरखा जाने। हाँ जी पूजी दी सी जीवे पूजदे पट्ठी दे विच दाने, पट्ठी दे विच दाने मर चली सा मैं मैनू आण बचाया तू, अब तू मुखातिब है। अब ये वो नहीं है वो वाला। सही 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 तो काम बहुत मुश्किल है मगर ऐसी है। मैंने जब शुरू में कहा ना तालीम का, मुझे वाकई मैं आपका एहसानमंद इसलिए हूँ, मुझे नहीं पता वो चाहे एक रत्ती भर मेरे समझ में आया होगा, ये सिर्फ मेहंदी वाले हाथ का मुझे याद है। आप जो मुझे बात बता रहे होते थे कि वो आपने जिस तरह कहा कि वो निर्मा वाला जो गाना था, ठीक आपने कहा कि जी उसमें वो है जी कि अब वो लड़की नशे में है, ठीक, और आपने कहा कि वो सिचुएशन से आपने कैसे उस गाने का रिदम और स्पीड तय की, वो क्या है वो वाला पलकांदा चिमटा, पलकांदा चिमटा बजा के। अब ये देखिए ना ये शाजी के सही नूर साहब के साथ मेरे कुछ हल्की फुल्की मौसीकी रहती है। ठीक है ठीक ठीक। बात ये है कि अब ना मुझे वो पलकांदा चिमटा पलकांदा चिमटा पलकांदा चिमटा बजा के ये देखे पलके ये ठीक 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 पलकांदा चिमटा बजा के ये मुझे लफ्ज़ दिया था सैमा बेगम ने, सैमा जी ने अच्छा ये उन्होंने कहा जब पलकांदा चिमटा ये उन्होंने दिया आगे कंप्लीट किया पलकांदा चिमटा बजा के तेरे नाल मोहब्बतां पाके मैं लुटी गई। अब ये देखिए लुटी गई मैं ऊपर भी जा सकता था, अगर उसके किसी ने इज्जत लूटी है उसका सुर और है, सही सही, अगर कोई डाकू ने उसके को छीना है वो सुर और है, वो तो मोहब्बत में लूटी गई खुद लुटाया अब कह लुटी गई ओ मैं लुटी गई। सही उसमें एक दुख है मतलब क्योंकि उसका अपने एक वो मान रही है कि मैंने किया ये मैं लुटी गई। वाह 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 मौसीकार मैंने पहले भी बार कहा मौसीकार किसे कहती हूँ, तबले बजाने वाले को बाजा बजाने वाले को या कोई साथ बजाने को ये मौसी उसे म्यूजिशियन कहते हैं, म्यूजिशियन कहते हैं सही सही साजिंदा साज बनाने बजाने बजाने। मौसीकार का मतलब ये है मौत का मतलब हवा, कार का मतलब बिरा बांधने वाले हवा को गिरा बांधने वाले को मौसीकार कहते हैं, हवा को गिरा बांधने वाले को। यहाँ मजाक बना हुआ है शर्मा जी बाखुदा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आप वैसे मोहब्बत के लायक हैं, आप जितना मेरे एहतराम किया ना आपने खुदा गवाह है आपका मैं सिर्फ क्यों कि वहीं तक देख सकता है नजर जिसकी जहां तक हो समझे, हम लोग तो वो हैं हम मदीना मजाज लोगों की जिंदगी कट रही है गुफे में अब बिलीव करेंगे सुभान हम मदीना मिजाज लोगों की जिंदगी कट रही है कूफे में अभी भी दिल में ये है कि या अल्लाह फिल्में अच्छी बने ऐसा म्यूजिक दूं। अब कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं कि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि वो समझते हैं कि अब मैं बहुत बड़ा हो गया अब मुझे सब कुछ आ गया, जब सब कुछ आ जाता है ना फिर कुछ नहीं आता कुछ तो कभी भी नहीं आता फिर कुछ नहीं आता, आपसे बड़ा आपका काम रहता है और उसी को रहना चाहिए।
मतलब इंसान तो बीमार भी हो जाता है, काम एक दफा अच्छा किया मौजूद रहता है, राइट? कि देखिए कि 252 मूवीज, 252 फिल्में जिसका मैंने म्यूजिक दिया है, और ये एक एक फिल्म में कम अज कम 6 गाने हो, ठीक है, कम अज कम यही मतलब भी कि मतलब किसी में 8 भी है, किसी में 12 भी है, मैं कुछ नहीं बात कर रहा सरमद जी। तो यार इतना काम करके बात को मैं और ऑन कह रहा हूँ, अभी भी हमें काम नहीं आता है। अब जब बैठते हैं तो उससे दुआ मांगते हैं, अल्लाह परम रख ले, कभी ऐसा नहीं घूमना। मैंने आपके साथ जो वो म्यूजिक के सिर्फ वही सेशन, क्या मैं उनको कहूँ, वो जो आप बैठ के बस मुझे प्यार मोहब्बत से बताते थे चीज़ें, मैंने देखा आप बाजे को जब हाथ लगाते हैं, मैं आपकी मतलब जो चीज़ें नोट कर रहा होता था, और मैं कहता था हाँ, क्योंकि जो काम की चीज़ है उसकी इज्जत नहीं करेंगे सबसे पहले, या नीचे बैठ के जिस तरह आप हम वो काम कर रहे होते थे, मुझे अच्छा लगा कि नहीं, ये तो काम इसी तरह करने वाला है, इसका हक यही है कि तमीज़ तहजीब और प्यार से करने वाला काम। देखिए ये अदब लोगों का काम है, बहुत काम नहीं है। सही सही, आपको अदब कहाँ से मिला? अपने अबाउ जदाद से, अपने दादा से मिला, अपने बाबा से मिला, अम्मा से मिला, आप लोगों ने सिखाया, आपने सिखाया। तो इसलिए ना 17 साल की उम्र में मैंने पहला गाना रिकॉर्ड किया, 17 साल की उम्र में, एज अ म्यूजिक डायरेक्टर कंपोजर, एज अ म्यूजिक डायरेक्टर। और ये कौन सा गाना है? मेरे दिल ने शीशे की सजना। अब ये देखिए, मेरे दिल दे शीशे विच सजना, एक ही बात है, वाह सही, पई सज दिए तस्वीर तेरी, ये रिबॉन्ड है, राइट। फिर आज तक कभी सुने कि सुर में कभी रिबॉन्ड लगा? लफ्ज को कैसे रिबॉन्ड मारने, पई सज दिए तस्वीर तेरी, मैनू रब ने बनाया तेरे लिए, वे मैं अजना तो जागीर तेरी। क्या धुन है, क्या ठीक है, पर धुन की बात छोड़ो, लेकिन जो उसकी अंदर आपने जो रूह डाली है, बात ये है कि 17 साल की उम्र में मैंने, तो मैडम लोग जान जी, अल्लाह उनको मुफ्त, बहुत बड़े लोग थे जी, उनको अल्लाह मुफ्त करे, वो 1000 रुपये ले दी थी, उस 78 की बात है, 1000 रुपया, तो मुझे प्रोड्यूसर ने कहा कि ज़ुल्फ़िकार का सुन पंजाबी में, और 700 दे दे, मैं कोई मैं नहीं देना, मैं बच्चा मासूम आ गया यहाँ, मेरे को भी यार जो मैं और चल दे तसीद तो दे दूँगा 300 जिस तरह ना यार, ठीक ठीक, मुझे एक अंदाज था, मैं बाखुदा वो मर गई, हमने भी मरना है, क्यों झूठ बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी औरत थी और जहां दीदा औरत थी, और मेरी हर गाने पे उनके साथ टसल रहती थी। अच्छा, टसल क्या होती थी? कुछ सीखने को मिलता था। सही बात, सही, सीखने को क्या मिलता था कि उसे पता था कि ये बंदा कौन है, वो वजन करती थी हर बंदे का, हर मौसीकार का। मैं कहना मैडम जी अब खैर गाना रिकॉर्ड हो, ये लंबा बहुत किस्सा है, पंडित साहब उनको मिलने एएम स्टूडियो का वाक्य है, मैं गेंद बैठ, अच्छा तो पैसों वाली पहले बात बता, तो हाँ पैसे पे कितने दिए? मैंने कहा मैडम जी अब म्यूजिशियन कभी कहते हैं कि जी नहीं एक और टेक ले, एक और, कभी कहते हैं नहीं कहते, और मैडम नूरजहां गा रही हो तो वैसे ही मतलब नहीं, वो म्यूजिशियन जो होते हैं वो कहते हैं यार जल्दी मगर जाइए, उनका तो ये होता है, मगर म्यूजिशियन के जी एक टेक और करेंगे, एक टेक, अब मैंने ओके भी कर दी है, वो कहते नहीं एक और करेंगे, इतना मजा आ रहा, इतना सुन रहा था। खैर जी मैंने मैडम जी को मैं कहने कहती है अखा च अरे हल्का हल्का थ्रू, तो कहती है बेजरुफकार पंजाबी च, बेजरुफकार किन्ने पैसे दिते उन्होंने? मैं क्या जो भी तरह जो भी तक दिता इनाम तेरा, तो इस तरह ही काम करता नहीं। वाह सरमद जी, मैं खुश नसीब आदमी कि मैडम नूर जा करो वो पैसे मैं लेते, पैसा नहीं लै गई, इतने किसी नसीब है मौसी गल, और जितना मेरा स्कोर जितनी मेरे गाने हिटने अल्लाह परवरदिगार दी करम नूं असीं पंज तन पाक दे सकदे ना, किसी नूं नसीब नहीं मौसी गल। सही कहे, इत्थे तक गाना हिट हो जो कहिंदे मेरी बरसी को उड़ा दिओ, अब मैं इतना लायक हो गया मेरी बरसी का प्रोग्राम करेंगे।
नूरजहां के साथ वो मुझे सिर्फ क्योंकि जो मेरा आपका मतलब बहुत सारे गाने लेकिन एक और जो फेवरेट थे ना जा जा बेचारा छूट। अब ये देखिए अब आपने पढ़ दिया कैसे है आप बताए जा नहीं आप हाँ, तो फ्लैट जो मैंने पढ़ा है जा जा वे जा छूटिया यार यही बात है मुंशी का। आप डायरेक्टर माशाल्लाह अपने काम का आप यकता सिंगर जो होते हैं ना कितनी अच्छी आवाज हो आपकी बहुत अच्छी आवाज बहुत अच्छी आवाज है आप कहते हैं वाह बहुत अच्छी आवाज है। एक कपड़ा है कीमती वो बहुत कीमती कपड़ा है 1,00,000 रुपये मीटर है 1,10,00,000 रुपये मीटर है मीटर है दर्जी नहीं है तो शॉप में लेकर घूमते फिरो सही बात सॉरी वो कपड़े की तब अहमियत होगी जब वो तन पर आएगा सही बात ऐसी सिंगर है कितनी अच्छी आवाज हो सिंगर तो एक गाने का मोहताज है एक धुन का एक धुन क्लिक कर रहे वो उसका दुनिया में नाम सही सही कितने नाम है सही अब ये मुनाफ़त ही हमारे इंडस्ट्री में मुनाफ़त बहुत ज़्यादा है अच्छे को अच्छा नहीं कहना यदि मैंने तो पहले किसी का भी गाना भाई अगर तूने किसी पहले मुसीकार का गाना गाया था हिट क्यों नहीं हुई वो सुनाओ गाना आवाम का अदला जहाँ जी फैरा नसीम जी शादिया मंजूर जी जी ये जो जिनको मैंने गवाया है अब देखे रेशमा जी के साथ आपदा परवीन जी के साथ अफशान जी के साथ नहीं रखते जितने भी सिंगर हैं मैंने सबके साथ काम किया ज़्यादातर मैंने कोशिश होती कि अगर इंडस्ट्री में इतने लोग हो जाएं कि मतलब हालांकि मैडम जी के साथ झगड़ा भी रहना उसने एक सिंगर को मैं गाने चोरी चोरी गाता तो उसको पता चल जाता था उसने आकर मुझे बोलना मैं तेरा काम ही नहीं करना जहाँ तो किसी और को आ फ्रां फिर मैं जाता वो भी उनका प्यार मोहब्बत मैं कह मैडम जी शादी तो है मेहरबानी वो तेरे में टूटी मुटी तो गाना थी वो प्रोड्यूसर को ऐसे ही कह दो अच्छी बढ़िया हो अब मुझे जा जा पे जा अब ये देखिए एक्सप्रेशन क्या है औरत प्यार से कैसे कहती है जा ये लफ्जों की बाण देखनी है आपने जा जा भेजा झूठे तीन एक्सटेंट हैं तीन एक्सप्रेशन बने हैं जा जा भेजा झूठे साढ़े तन मन अब देखिए कि आपको क्या पता है किसी को क्या पता है ये कैसे गाना बनाना बहुत मुश्किल है गवाना उससे ज्यादा मुश्किल है आपने गाना बनाया आपने खुद ही रिकॉर्ड कर लिया बहुत अच्छा कर दिया अब आप किसी मौसीकार को कहना ये जी मैं गाना मैंने बनाया हुआ ये रिकॉर्ड को पहले अपना गाना आप खुद ही रिकॉर्ड कर लो जब वो आपको गाना रिकॉर्ड करेगा वो और होगा एब्सोल्यूट सही कह रहे सही कह रहे अब तो खैर मौसीकार ही अल्लाह खैर करे तो हमारी कहानी शुरू हुई जहाँ पे मैंने कहा जी ये बाबा जी का कलाम है एक जो मेरे दिल के बड़ा करीब जी और वो कलाम मैं खाले हर बड़े सिंगर ने गाया हुआ था पहले पहले मुझे नहीं मुझे नहीं बिल्कुल मैं आपको ऐसे बताता कि मेरी उसके साथ एक अकीदत और प्यार तो अपनी जगह लेकिन अब वो मैंने जब आपको ला के दिया और आपने कहा कि अच्छा ठीक है अब धुन अब सबसे पहले लेकिन आपने मुझे ये समझाना शुरू किया कि उसमें जो की वर्ड है वो क्या है वे प्यारे मैं बाबा बुल्ले से मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ मुझे उनका कलाम बहुत मजा आता है अब ये देखिए साढ़े वाले अब ये है साढ़े वाले मुखड़ा मोड़ वे प्यारे साढ़े वाले मुखड़ा मोड़ आपे पावे कुंडियाँ ते आपे खिचे डोड़ अब ये वो अपने वो उसे कह रहे हैं बाबा बुल्ला अपने रब के साथ हम कलाम कि साढ़े वाले मुखड़ा मोड़ वो प्यारे है आपे पावे कुंडियाँ ते आपे खिचे डोड़ बुल्ले शाह सा मरना नाही ये कॉन्फिडेंट दिख रहा है कि बुल्ले शाह ऐसा मरना ना ही मर गया कोई हो अब ये एक्सप्रेशन क्या है बुल्ले शाह ऐसा मरना ना ही मर गया कोई हो कोई प्यारी सच बन
जैसे आप है डायरेक्टर हैं, आप कहानी की कैसे करते हैं, ये एटमॉस्फेयर दे दें पीछे कि इसके बैकग्राउंड में जो क्या होना चाहिए, कुड़ी का लड़की या लड़के का करैक्टर क्या है, लबास क्या है उनके, सही पीछे क्या हुआ पीछे है, आगे क्या होना है, कैफियत क्या चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जैसे मुझे बताया कि ये कहानी है, ये कहानी यहाँ से शुरू हुई है, मैंने आपसे कहा कि ये सिचुएशन ये है, उसके बाद क्या सीन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब उसकी देखिए वो सुर की आस वहां तक जानी चाहिए। सही बात, सही सही सही। अब तो सिर्फ गाना भी जो आगे गाना नाच के चलेगी नहीं, गाना सीन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो फिल्म का हिस्सा हो। बिल्कुल, अब मेहंदी आपकी, पहले मेहंदी ऐसी नहीं बनी, कभी गौर करना। सही कह रहे, दो गाने हैं नहीं, बिल्कुल गाली में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पहले ऐसा नहीं हुआ। नहीं वो तो मुझे याद है, तीन नज़में हैं वो, जो उनका आपस में कोई तालाब भी नहीं, नहीं है, उनका वजन भी नहीं है। आपने आपने खुद दी है, बिल्कुल ऐसे नहीं बोला। बिल्कुल आपने मुझे तीनों ने मैंने दी कि जी इसको अब हमने, अब मुश्किल था मेरा चैलेंज है, आप किसी को ये लफ्ज दे देना। नहीं नहीं, उनका आपस में वो भी, मैंने एक दिन वो हाथ का लिखा हुआ जो कागज आपके सामने रखे हुए थे मैंने, तो वो मैंने रखे, तो एक दोस्त है वो बहुत मौसीकी की समझ रखता है, तो उसने नीचे क्या लिखा, उसने कहा हुजूर इसका वजन ठीक नहीं है, इसको रिकॉर्ड करने से पहले ठीक करवा लीजिएगा। तो मैंने लिखा, मैंने कहा रिकॉर्ड हो चुका है और जो ठीक हो रहा था वो आपने कर दिया है। अब वो जब आता है, सब नु ला दे अग्नि अड़ियो, हीरे जया मैं नग्नि अड़ियो, लावे ते कोई हथ नहीं अड़ियो, पा दे नथ नहीं अड़ियो। मेरी तो जो तालीम हुई और मुझे तो जो जो आपने वो लफ्ज के अंदर जो समंदर बन रहा सिखाया, लेकिन आपने भी मुझे बताया कि अब अग नग हथ इसको किस तरह से, उसकी जो जहाँ पे वो काट आ रही है वो कितनी अहम है। देखिए साहब, आजकल जो मुसीकी मजाक बनी हुई है, मैं आपको क्या बात बता रहा था कि लफ्ज का मायना क्या है, कि जब कोई इंसान आता है तो अब मैं आया हूँ, आपको खुशी महसूस हुई, अपना अपना हक महसूस हुई, जब मैं जब जाऊँगा तो मेरी बेटी को भी, कमल को भी, क्योंकि यार अंकल से बात ही कर रहे थे, आप कहेंगे ये अंकल से बात ही कर रहे थे, ये लोग कहेंगे बात ही कर रहे थे, हल्का सा कि आया साउंड, आया साउंड किया साउंड, ओए मुझे गाना याद आ गया कौन ओए देखे कि जब सावन आया है तो क्या कैफियत है, आया सावन खुश में है, खुशी है, आया सावन किया साउंड गया साउंड, ये मौसीकी आज कहते हैं ठीक अल्लाह बच्चे हमारे इनको तो भाग लग गए, मगर इन्होंने मजाक बना दिया, मजाक बना दिया। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने तो जो करना था वो तो कर लिया, अभी भी शौक है कि या अल्लाह ऐसा काम करें तो लोग कहें क्या बात। मैं आपको ये तो बता रहा हूँ, जो अब आपने जो मुझे शर्फ दिया कि मैं आपके सामने बैठ के सिर्फ देख सकूं कि आप काम कैसे करते हैं, वही वे प्यारिया वाली बात है। अब ये मुझे, मैं तो मतलब डायलॉग लोगों को डायरेक्ट करता हूं कि ये कहना है, लेकिन गाने में पता नहीं क्यों हमेशा लगता है कि अच्छा शायद सुर ऊपर से आ जाता होगा तो एक्सप्रेशन पता नहीं कब आता है। आपने कहा कि नहीं, ये जो प्यारा है इसमें जब तक प्यार नहीं आएगा तो इसको ऊपर नहीं ले जा सकते, इसको वो सब चीज़ें मुझे नहीं पता कि मुझे भी इससे पहले नहीं पता थी, मुझे कोई मेरी नालायक की नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं बहुत अच्छी यू आर बेस्ट डायरेक्टर भाई सनमत आपका दिन साढ़े वन साढ़े वन खुला मोहन वो एक इल्तिजा कर रहे हैं कि साढ़े वन मुखड़ा मोड़ प्यारी है आपे बामे घूमी ते आपे खिचे डोल ये प्यारी है साढ़े वन मुखड़ा मोड़ मुझे भी याद है असल में तेरा हाथ था साढ़े वन मुखड़ा मोड़ राइट। अब जिसको यही नहीं सेंस कि साढ़े वन मुखड़ा उसका मतलब उसने मुखड़ा दूसरी तरफ किया दूसरी तरफ है
इसलिए वो शिकायत है कि साढ़े बात मुँह खुला हुआ। अब वो अल्लाह के साथ मेरे मौला के साथ बाबा बुल्ला तो ये कह रहे हैं कि साढ़े बल मुँह खुला हुआ साढ़े बल में तक ये म्यूसिकी है लफ्जों की बांध कैसे कर लफ्ज को समझना कि इधर क्या वो बात रह गई। अब वो शायर बहुत बड़े शायर थे हमारे फिल्म के शायर या गजलें उनकी बड़ी अहमद फराज साहब से मुझे प्रोड्यूसर ने कहा कि अहमद फराज साहब से गजलें करानी है। ठीक है मैंने कहा अच्छा यार मैं उन्होंने कभी मिलया नहीं यार तो जिस वाले तू तारफ कराएगा तो मैं इस्लामाबाद चलेगा। उन उस समय में हम 25,000 में पूरी फिल्म करते थे उस जमाने में 25,000 में पूरी फिल्म कर दी 600 गाने जितने भी उन्होंने। अब उन्होंने कहा ये 25,000 है उनको ये गजल की इससे ज़्यादा हमने देखो नहीं कर सकते। चलो मैं चला गया खैर मैं वो मैं अक्सर पूछूँ जेब से कार्ड रखी थी उनकी कहने नहीं विजिटिंग कार्ड विजिटिंग कार्ड बस मान लो बिजनेस कार्ड या विजिटिंग वो मैं कार्ड भेजे मैं उन्होंने बड़े आदमी थे अल्लाह उनको मफरत करे तो सब कैसे आना वो मैं कहा वो गजल ही नहीं कौन सी गजल का खाना खराब करना है कौन सी गजल का खाना खराब करना है वो ये देखिए मैं जो नहीं बात मैंने कहा जी वो गजल है सुना है लोग उसे आंख पढ़ के देखते हैं मशहूर है जमाना पहले किसी ने कही अच्छा नहीं वैसे बताऊं लेकिन अब हमने तो उसी वजह से हमारे उसकी जानकारी हाँ जी उसका बैर जो था ना वो उसका जो बैर जी वो कुछ मुश्किलात था अच्छा इसलिए किसी ने हाथ नहीं डाला इसलिए वो गजल बच गई मेरे लिए ठीक ठीक लो जी मुझे दुख तो हुआ खैर मैंने कहा बड़ा आदमी क्या बाद में मुझे कहते हैं अबे इतने बुरा नहीं महसूस करना वैसे ही मैंने बोल दिया तो वहाँ की करीब बैठी हुआ उनके पास वो मैंने कहा मैंने 3-4 बार कहा कि सर वो कैसे है अब शहर बड़े आदमी हैं सुना है लोग उसे आँख भर के देखते सर उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते सुना है लोग मैंने 3-4 बार ये कहलवाया। अब मैं इसमें मुझे गुस्सा था कि क्या खाना खराब करने वाली ये मेरे देखिए ये फंसी थी बात। अब शर्मा जी अब मैं गुस्सा जा नहीं रहा बात भी कर रहा हूँ वाह जी वाह 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 और भी जो लोग बैठे हुए वाह जी जानू और भी सुना हेलो वो यही थे सुना हेलो उसे अब मैंने ढूंढ लिया। अब आप भी क्या ढूंढ रहे इसमें मैं तकरीबन थोड़ा थोड़ा पहुंच रहा हूँ लेकिन आपसे सुनना चाहता अब ये देखिए वहां बैठे हुए स्पेनिश भी पड़ी तबला पड़ा अच्छा उधर बड़े भाषाओं का कल्चर वो मैं कहा दूरी जहाज हाँ हाँ खैर वो बैठे हुए। अब मैंने ये देखा कि लफ्ज सुना 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 अगर मैंने खुद सुना हो तो और बात है मैंने सुना है किसी से राइट 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 सुना नहीं है बनता सुना ठीक 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 सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं सोच के शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं सुना ये नहीं है अब मैंने किसी से बात सुनी हो तो मैं अभी तो अभी तलक तो ना कुंदन हुए ना राख हुए हम अपने आप में हर रोज दर के उसने भी ऐसे किया उन्होंने अब अतरे यार बहुत मजा आ रहा मैं कुछ 6-7 बार सुना क्या बात हुआ चलो ले जाओ भाई बाबा जी हमारी ये भी गजल पढ़ी थी ये भी आपने ले ली मैंने कहा हुजूर जी आपको ओ ले जाओ यार ले जाओ बस ले मैंने वो मैंने मुझे खुश हो मैं यार 25,000 दिहाड़ी लगी
बड़े लोगों की कोई बड़ी बात है। बड़ा भी छोटी बात करे तो वो बड़ा थी नहीं बेटा, सही बात, सही बड़ा भी बड़ी बात उसको बड़ा। और मैंने बोला मैं कि यार अब मुझे डालिए भी है। ये वो असन अस्करी साहब वाली फिल्म थी। हाँ जी वो जन्नत की तलाश, रेशम और शान थे उसमें। राइट राइट राइट, पार्टीशन के ऊपर थी। सही 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 सही। बाखुदा मैंने आपके साथ काम किया, मुझे अच्छा लगेगा। मैं बराबर है, मेरा बेटा बड़ा बेटा मेरा, जी 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 जी, उसमें मेरा बराबर वो माशाल्लाह बहुत अच्छा कंपोज। अच्छा अच्छा, बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने उससे बात कर रहा था, वो कहते उसने फिल्म देखी, कहते पापा आजकल तो जैसे आप, पापा सलमान भाई तो बहुत स्टैंडर्ड आदमी। कहता मैंने फिल्म मैं बोल मुझे बहुत मजा आया, क्या चाहिए बस यही। ये देखे डायरेक्टर की तारीफ क्या है यार, क्या शॉट लिया था ये डायरेक्टर की, तो ये तारीफ है हदायतकार की जी, यार क्या अच्छा शॉट, क्या शॉट लेते हैं यार, क्या अच्छा कहा इन्होंने स्क्रीन प्ले की डायरेक्टर मसीह कर रही यार की टूल बनाई है राइटर, यार क्या डायलॉग रहे, ये तीन चीज़ें पिलर है, डायरेक्टर राइटर म्यूजिक डायरेक्टर। अब ये देखिए ना कि वो आप फिल्म का हीरो जो कमली का जी, उसे किसी ने पूछा जी आपको गाना कौन सा अच्छा लगा, वो कहते सारे वाले मुखड़ा मोड़। बिल्कुल, अब वो और भी कह सकती। मैं आपको लेकिन बताऊं जो आग गया है हमारा गाना, अब उसमें जो आपने फ्लेवर दिए हुए वो शुरू होता है वो जो भी उसको हम कह लें कि कोई शादी ब्याह का टप्पा या जो भी, फिर उसके बीच में उसमें एक अजीब रैप सा आ जाता है, दिल कर दा गया दिल जर वो आता है, और फिर वो जो हाड़े में चला जाता है उस गाने के। मैंने दो प्रोमो बना के डाले क्योंकि मैंने कहा ये तो गाना तीन मुख्तलिफ उसमें से गुजर रहा है, और वो जो आप मेरी तो बिल्कुल क्या मैं कहूँ औकात नहीं कि मैं उसको एनालाइज कर सकूं, लेकिन आपने जिस तरह से वो एक गाना है जो शुरू हो रहा है शोर शराबे और धूम धड़क्के से, और उसी सुर में से अब आपने उसको एक हाड़े और उसमें ले आए, जो वो कहती है महरम दिलदा दूर नी माए, सा होए ने चूर नी माए, मिर्जे जया कोई होर नी माए, फेर तो मैनू टोर नी माए। तो मुझे ये सिर्फ सुनने वालों के लिए भी कि ये उधर से कैसे लाए हम हाड़े की तरह, इसलिए तो वो उसकी जो कैफियत है ना बिल्कुल उसकी सैडनेस है। सैडनेस दुनिया में दिखावे के लिए ही होता है ना कि जी मैं आपको तो नहीं पता कि मेरे अंदर इस वक्त क्या है, ये तो आपके साथ हाँ जी वो जब मैं जो मेरी फीलिंग्स है जो समझने वाला है वो पहचान लेगा कि यार गौर करने वाला जिनके होंठों पे ऐसी पाँव चारे होंगे, हाँ वही लोग तुझे डूबने वाले हैं कि गौर। अब किसी को पता नहीं चलता कि यार जो मुझे मुझे प्यार करने वाला वो मेरे हर रख से बात बिल्कुल वो आपके चेहरे की एक एक्सप्रेशन से उस, मैंने पानी ना खाया वो मुझे ये नहीं कि मैं पान कर वो जाएगा। सही सही मुसीका यार मैं जो क्यों पता नहीं यार मैं वैसे ही सीखा नहीं यार अच्छा नहीं लगना। अब मैं तो इसलिए मैं एटिकेट्स में फंसा हुआ हूँ ना कि मैं पान नहीं खा रहा। पान अभी हम खाएंगे इसके बाद नहीं तो मुझे अंकल सिर्फ यही कि लोगों के लिए भी कि अब एक शादी के गाने में से ही हम दुखी उसमें जब जाते हैं तो वो इसकी साइंस क्या है, वो सुर या जो भी उसकी बांध है वो कैसे मेंटेन रखी है। अब ये ना आपने मुझे सिचुएशन बताई बिल्कुल आपने मुझे सिचुएशन बताई कि वो भी लड़की हाजिर है बिल्कुल बिल्कुल जिसकी शादी हो रही है वो भी उसका भी कुछ जो बिल्कुल वो भी हाजिर हो गए ठीक है बिल्कुल। अब ये लफ्ज क्या बता रहे हैं मुझे भी ये पता है लफ्ज महरम दिलदा दूर निमाए सा होए ने महरम दिलदा दूर महरम दिलदा दूर निमाए और दूर पे वो दूर सा होए ने चूर निमाए सा होए ने चूर निमाए। और फिर अब आप उसको ऊपर पर धीरे धीरे ले जाते मिर्जे जयाना होर नी माए फिर तो मैनू टोर नी माए। अब देखिए हर लफ्ज का प्रेम है अब लफ्ज को कहने कैसे मिर्जे जया मिर्जे जया अब मिर्जे जया नहीं मिर्जे जया
कोई और नाम आए राइट राइट फिर इन लफ्जों को क्या मायने क्या है सही सही वो सुर भी ऐसे ही लगे मिर्जे गया ना हो नहीं माए फिर तो मैंने टोर नहीं माए सुर ये मौसी क्या रही तो बस ऐसे ही है मुझे बहुत अच्छा लग गया तेरे से बाखुदा मेरे जिंदगी के चंद कीमती तरीन वक्तों में से वो वक्त है जब हम बैठ के मुझे याद है ऊपर दफ्तर में शाम के वक्त और बस बातें करते थे और मैं बैठ के जादू करके जादू को देखता था और वो सफर मेरे लिए हमेशा बहुत कीमती है और मैंने ऐसे कहा वो मेरा शर्फ है वो मुझे एक फैज़ मिला आपकी तरफ से और इंशाल्लाह ये हमारा कमली वाला सफर जो है जो शुरू हुआ है शुरुआत है अल्लाह आपको सलामत रखे आपको भी सलामत और हम ये सफर जारी रखें इंशाल्लाह थैंक यू Thank you.